सहाफियों के लिए तारीखी दिन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने सहाफियों और मीडिया वर्कर्स के तहफ्फुज के बिल जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 2021 पर दस्तखत कर दिए। अहम कानून साजी सहाफियों और मीडिया वर्कर्स के हकूक का तहफ्फुज यकीनी बनाएगी। तमाम सहाफती तंजीमों की मुशावरत से बिल तैयार किया गया है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का तकरीब से खिताब। अमिन सहाफियों के साथ खड़ा होना हमारा फर्ज है, सहाफियों की मुलाजमत का तहफ्फुज यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर इत्तला'आत व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स प्रोटेक्शन एक्ट 2021 पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। हर शहरी को हुकूक देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सहाफियों की खबर के जराए का तहफ्फुज किया जाएगा। सहाफियों का तहफ्फुज हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। इंसानी हुकूक की वफाकी वजीर डॉक्टर शीरी मजारी का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म इमरान खान की वसूलियों में इजाफे पर FBR की टीम को मुबारकबाद। गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल नवंबर के महीने में वसूलियों की शरह 35% ज्यादा रही। रवां माली साल के पहले 5 माह में गुज़िश्ता साल की निस्बत 37% इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म का ट्विटर पर पैगाम। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जखीरांदोजों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि सिंध में खाद की बड़े पैमाने पर जखीरांदोजी हो रही है। पूछना चाहते हैं कि सिंध की साईं सरकार काश्तकारों की दुश्मन क्यों बनी हुई है। इत्तला'आत व नशरियात के वजीर ममलिकत फारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म इमरान खान को नालायक और नाअहल अपोजिशन मिली। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का कानून बन गया है। अगले इंतखाबात अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही होंगे। वज़ीर दाखला शेख रशीद अहमद की रावलपिंडी में मीडिया से बातचीत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज एड्स से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। दिन के मनाने का मकसद एड्स जैसी मोहलिक मर्ज से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में शऊर और आगाही पैदा करना है और लोगों को मालूमात फराहम करना है। अस्सलामु अलैकुम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैबिनेट आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कमल। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए PTV न्यूज़ के साथ। इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हमारे दादा हजूर ने दस्तखत करे एंड ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान तो देयर वाज अ पर्सन नो लेस देन द कायदे आजम हिमसेल्फ एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल जिसने ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत करे और उसे कबूल करा। हिंदुस्तान को इस बात का इल्म हुआ कि नवाब साहब इज नॉट देयर इन द स्टेट और वो पाकिस्तान चले गए हैं तो उन्हें क्या करा कि उन्हें अपनी फौजें भेज के रियासत जूनागढ़ की जो टेरिटरीज थी उसका फिजिकल पोजेशन उन्होंने ले लिया।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं, सदर मुमलिकत ने सहाफियों के तहफ्फुज़ के लिए जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 2021 पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद मीडिया मालिकान अपने वर्कर्स को लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस समेत दीगर हकूक फराहम करने के कानूनी तौर पर पाबंद हो गए हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इसे एक तारीखी इकदाम करार देते हुए कहा कि सहाफियों के हकूक और उनके तहफ्फुज़ पर सब मुत्तफिक हैं और इसे हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इसे एक तारीखी इकदाम करार देते हुए कहा कि इस कानून के बाद सहाफियों और मीडिया वर्कर्स के हकूक को कानूनी तहफ्फुज़ हासिल हो गया है। जर्नलिस्ट के राइट्स के हवाले से सब यकसा हैं, सबकी सोच यकसा है। राइट टू लाइफ एंड प्रोटेक्शन है, राइट टू प्रिवेसी एंड सोर्स नॉन डिस्क्लोजर, प्रोटेक्शन ऑफ वायलेंस अब्यूजिव एंड वायलेंट इंटॉलरेंट बिहेवियर और प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट, फिर वेलफेयर स्कीम का इजरा। मगर एक सबसे अहम जो चीज़ है, इंडिपेंडेंट मीडिया कमीशन, ये बहुत ज़रूरी है। इसका लफ्ज़ इंडिपेंडेंट बहुत ज़रूरी है। मीडिया कमीशन तो बनते रहे और बिल के अंदर मौजूद है कि इसके अंदर जेंडर के अतबार से भी आपने बैलेंस किया है। दूसरी तरफ के राइट्स का सबसे बड़ा जिम्मेदार आप भी अपने आप को महसूस कीजिए कि ये साइड आपके राइट्स की जिम्मेदारी रखे, माशरे के अंदर भी प्रोटेक्शन माशरा भी करे, अदालत और पुलिस और गवर्नमेंट बाद में माशरा भी करे, और आप भी माशरे की इन राइट्स को जहन में रखें। वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पहली मरतबा पाकिस्तान में सहाफ़ियों को वो हकूक़ फराहम किए हैं जो तरक्की याफ्ता मुल्कों के सहाफ़ियों को हासिल है। इंसानी हकूक की वजीर डॉक्टर शीरी मजारी ने कहा कि इस कानून के बाद मीडिया मालिकान अपने वर्कर्स को लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस समेत तनाज़ात की कवरेज से पहले हिफाजती तरबियत और सामान फराहम करने के पाबंद होंगे। मीडिया को रियासत का चौथा सतून कहा जाता है, मगर पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद साल से इस पेशे से वाबस्ता अफराद को मुश्किलात का सामना है। मौजूदा हुकूमत ने सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स की मुश्किलात को दूर करने के लिए अमली इकदामात किए, जिनमें जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट एक अहम संगमील है। हुकूमत का कहना है कि इसने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 2021 पर सहाफ़ियों के तमाम ग्रुप से तफसीली मशावरत की है। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट की मंजूरी के बाद जहाँ मीडिया वर्कर्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया है, वहीं सहाफ़ियों की भी जिम्मेदारी है कि वो मुआशरे के दूसरे तबकों के हुकूक का एहतराम मलहूज़े खातिर रखें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वसूलियों में इजाफे पर FBR की टीम को मुबारकबाद पेश की है। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल नवंबर के महीने में वसूलियों की शराब 35% ज्यादा रही, जबकि रवां माली साल के पहले 5 माह में गुज़िश्ता साल की निस्बत 37% इजाफा हुआ। इस इजाफे पर FBR की टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। उधर वज़ीर ममलिकत इत्तला'आत और नशरियात फरूख हबीब ने कहा है कि गुज़िश्ता माह की 470 अरब रुपये की टैक्स वसूलियाँ गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 35% ज़्यादा हैं। अपने एक ट्वीट में वज़ीर ममलिकत ने कहा कि कोरोना के बावजूद पाकिस्तान में मुआशी सरगर्मियाँ उरूज पर हैं और कारोबार सही चल रहे हैं। मुशीर तिजारत अब्दुल रजाक दाऊद ने कहा है कि 1 माह की मुल्की बरामदात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि नवंबर में मुल्की बरामदात 33% इजाफे के साथ 2 अरब 90 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई हैं। गुज़िश्ता साल नवंबर में बरामदात का हजम 2 अरब 17 करोड़ डॉलर था। उन्होंने मजीद कहा कि रवां माली साल के पहले 5 माह में बरामदात में 27% इजाफे के साथ 12 अरब 36 करोड़ डॉलर रहें। और नाज़रीन, ये बात इंतहाई खुशाइंद है कि मुआशी आशारिया मुस्बत और नवंबर में मुल्क की बरामदा 33% इजाफे के साथ 2 अरब 90 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई है। बिल्कुल, और गुज़िश्ता साल नवंबर की अगर हम बात करें काशिफ, तो बरामदात का हजम 2 अरब 17 करोड़ डॉलर था और वसूलियों की शराह भी 35% बढ़ी है। और यकीनन ये खुशाइंद बात है, इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत है इस वक्त वो इस्तेहकाम की जानी गामजर है, और पाकिस्तान की जो हुकूमत इस वक्त इकदामात कर रही है, पूरा फोकस यही है कि इकॉनमी को मुस्तहकम किया जाए। और जो इकॉनमी कोरोना वबा के दौरान ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई, बहुत ज़्यादा मनफी असरात पड़े, उन असरात को ज़ाहिल करने के लिए हुकूमत ने जिन इकदाम के इनिशिएटिव्स
लिए जो इकदाम उठाए गए उनके असरात हम देख रहे हैं कि अब सामने आ रहे हैं और बरामदात में तेजी से इजाफा हो रहा है, तेजी से बरामदात भी बढ़ रही हैं, मईशत भी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। नाज़िया, आगाज में जैसे ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इक्तदार में आई थी तो हुकूमत की तरफ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया था कि हमें मईशत को बेहतर करने के लिए मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे, मुश्किल फैसले किए गए, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि उन मुश्किल फैसलों के समरात हमें मिल भी रहे हैं। और नाज़िया, इसी हवाले से बात करने के लिए हमें माहिर मईशत रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर मलिक शाहिद सलीम साहब ज्वाइन कर चुके हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो ये फरमाएगा, कैसे देखते हैं आप बरामदात में इजाफे के इस रुझान को और इसे मजीद बेहतर बनाने के लिए आप क्या समझते हैं किन इकदाम की जरूरत है? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनविटेशन, की आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया। जी पाकिस्तान की अल्लाह का शुक्र है कि एक्सपोर्ट्स दिन ब दिन बढ़ रही हैं और मजीद बढ़ती चली जाएंगी और एक अच्छा ट्रेंड चल रहा है। देखें जी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि एक तो गवर्नमेंट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाने के लिए एक्सपोर्टर्स को खास तौर पर बहुत गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और प्रमोट कर रही है और ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है बरामदात को बढ़ाने के लिए। खास तौर पर जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है उसको हमारी गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है कि जी हमारी बरामदात बढ़े, लेकिन इसके साथ साथ अभी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिन पे तवज्जो देना जरूरी है। खास तौर पे हमें बरामदात बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट करने के लिए हमें अपने बिजली के नर्स जो हैं, उसके बाद अनइंटरप्टेड जो अभी हमारा कुछ टेक्सटाइल सेक्टर जो है उसमें ऐसे प्लांट्स हैं जो कि गैस पे चलते हैं, और चूंकि पाकिस्तान अब सर्दियां आ चुकी हैं तो गैस की सप्लाई पे भी गवर्नमेंट को टेक्सटाइल सेक्टर के लिए और इंडस्ट्री के लिए बहुत तवज्जो देना होगी। इसके साथ साथ जो करेंसी का फ्लक्चुएशन चल रही है बरामदात के लिए जो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो हमारा जीएसपी स्टेटस है, जीएसपी प्लस स्टेटस है, उसमें भी गवर्नमेंट ने अभी यूरोपीय यूनियन के साथ दोबारा हमारे टर्म्स चल रहे हैं और मजीद उसका हमें फायदा उठाना चाहिए। ये कुछ थोड़ी सी ये वो फैक्टर्स हैं जिसपे हमारी मजीद बरामदात जो है वो बढ़ सकती हैं, और कुछ हमारी बरामदात ऐसी हैं अनटैप फैक्टर्स हैं जैसे कि हमारी मार्बल इंडस्ट्री है, जेम्स एंड ज्वेलरी का सेक्टर है, हमारा आईटी सेक्टर है। इस वक्त आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमें मजीद बहुत ज्यादा हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं आईटी सेक्टर के लिए। जी सही सही। सर, ये फरमाइएगा कि टैक्स वसूलियों का हम जब तज़करा करते हैं तो उनमें भी हम देख रहे हैं कि नुमायाँ बेहतरी आई है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जो कि टैक्स नेट में अभी शामिल नहीं हैं। इस हवाले से आप क्या बताएंगे कि इसका हल क्या है, क्या इकदामात मजीद ज़रूरी हैं इस वक्त उठाए जाने? देखिए जी, बिल्कुल जैसे कि मैंने अर्ज किया कि अभी तो ये इब्तिदा है, गो के इस गवर्नमेंट को सवा तीन साढ़े तीन साल का अरसा हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिन पे हमें बहुत तवज्जो अभी देनी है, जिन पे अभी कुछ काम नहीं हुआ। तो ये वो चीजें हैं, देखिए एक्सपोर्ट जब हम बढ़ाते हैं रिमिटेंसेस भी आती हैं और एक्सपोर्टर्स जो हैं ये मुल्क के लिए जरे मुबादला वो करते हैं, लेकिन अभी फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी की बात करें, हम एक्सपोर्ट्स तो कर रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, लेकिन अभी भी हमारी इंडस्ट्री जो है एक ओल्ड टेक्नोलॉजी पे चल रही है, हमारी मशीन्स, हमारा इक्विपमेंट, हमारी टेक्नोलॉजी, हमें इन चीज़ों पे भी करना है। और ये गवर्नमेंट का काम है कि प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर, स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर, जैसे कि मैं सबका सदर हूँ रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपनी इंडस्ट्री में प्रमोट करनी है और अवेयरनेस देनी है कि टेक्नोलॉजी का जब तक हम फायदा नहीं उठाएंगे। और गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे कोर्सेज, ऐसी अवेयरनेस, ऐसे ट्रेनिंग्स दे और हम आशना करें अपनी इंडस्ट्री को कि इस वक्त दुनिया जो है कैसे टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रही है। इसका हमें फायदा उठाना होगा तो उससे फिर हमारी मजीद एक्सपोर्ट्स और प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। जी सही शाहिद साहब, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं और इस हवाले से हुकूमत अहम फैसले कर भी रही है। हम देख रहे हैं कि जो फैसले किए गए उनके समरात हमें मिल भी रहे हैं कि नवंबर में मुल्की बरामदा 33% इजाफे के साथ 2.90 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई हैं। लेकिन सर, ये फरमाएगा कि आने वाले चंद महीनों में आप पाकिस्तान की मईशत को कहाँ स्टैंड करता देख रहे हैं? अगर इसी तरह से चीज़ें चलती हैं तो हम मुस्तहकम हो जाएंगे मुआशी तौर पर फिर? देखिए जी, मुस्तहकम लफ्ज़ तो थोड़ा अभी वक्त से पहले है, मुस्तहकम तो हम नहीं कह सकते। हाँ ये है कि मुस्तहकम की तरफ बढ़ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, और आने वाले माह भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि पाकिस्तान वो दुनिया के उन चंद मुल्कों में से, मैं वाहिद मुल्क तो नहीं कहूँगा लेकिन सिर्फ उन चंद मुल्कों से है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कोविड को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है, स्पेशली बिजनेस के हिसाब से और एक्सपोर्ट के हिसाब से। पाकिस्तान की बरामदात बढ़ने की एक वजह यह भी है कि बाकी मुल्क जो है वो कोविड को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाए, उनकी तकरीबन इंडस्ट्री बंद हो गई या उस उनकी लेबर या उनकी मैन पावर उस तरीके से वो यूटिलाइज
नहीं कर पाई। इवन अभी भी उनकी प्रोडक्शन जो है या उनकी इंडस्ट्री जो है वो सफर कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की इंडस्ट्री और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इतने अच्छे तरीके से हैंडल किया कोविड को कि उसकी वजह से एक वजह यह है कि बड़ी है। और अभी जैसे कि हम सुन रहे हैं दो तीन दिनों से कि साउथ अफ्रीका की वजह से एक ओमिक्रॉन नया कोविड जो है वेव जो है लहर वो दुनिया में आ चुकी है, तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है और इंशाल्लाह ताला मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान पिछले जो फेजेज आए कोविड उसी तरह खुदा ना खासा अगर ये चौथी लहर भी पाकिस्तान में आती है तो इसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करेगी और हमारी बरामदात इंशाल्लाह बढ़ती चली जाएंगी, इंशाल्लाह कम नहीं होंगी जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बरामदात में भी इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया मलिक शाहिद सलीम साहब, आप हमें अपनी माहिराना राय से आगाह कर रहे थे। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर हैं आप और मईशत पर भी गहरी नज़र रखते हैं। नाज़रीन यकीनन ये खुशाइन बात है कि हमारी मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है और जैसा कि शाहिद सलीम साहब ने भी कहा कि तेज़ी से जो मईशत में आती बेहतरी है वो इस बात की अक्कासी कर रही है कि हुकूमती जो इकदाम हैं वो मुस्तहकम होने की जानिब हमारी मईशत को लेकर जा रहे हैं। तो ये इकॉनमी के हवाले से भी और ओवरऑल अगर हम मुल्क की सूरत हाल देखें उसके हवाले से भी बहुत खुशाइंद और मुस्बत बात है। बिल्कुल, और स्टोरी भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। Congratulations. Well, he first won this award back in 2009 and in 2021. Muy feliz acá, muy ilusionada y tengo mucha ganas de seguir peleando por. मेरे लिए अहमियत इस बात की है कि ये खत्ता एक काबिल शख्स के हाथ में हो। जुल्म और खौफ का खात्मा हो चुका है, इंसाफ फिर अपने रास्ते पर गामजन। ये अच्छी शराकत नहीं है, मुझे ऐसे ही सरदार की जरूरत है। धोखेबाजी है ये, ताल्लुकात बढ़ाने होंगे तुम्हें उनके साथ। पूरे अनातोलिया को राख का ढेर बना दूंगा। बुज़दिल हर रोज और बहादुर सिर्फ एक बार मरता है। आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा अर्तुल सरदार। हमारा इस्तेमाल करके उसने लंजक से दोस्ती करने की कोशिश की। हम वो हाथ थाम लेते हैं जो दोस्ती की नीयत से आगे बढ़े और जो दुश्मनी से बढ़े उसे काट देते हैं। ढूंढ कर लाओ उसे। क्या आप पाकिस्तान की तरक्की और बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं? क्या आप आजाद, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के ख्वाहां हैं? क्या आपने अपने वोट का इंदराज, इखराज और इसकी तस्दीक करवा ली है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 7 नवंबर से 6 दिसंबर 2021 इंतखाबी फहरिस्तों पर नजरसानी के लिए घर घर वोटर्स की तस्दीक का आगाज, जमहूरियत के फरोग के लिए तस्दीकी अमले के साथ तआवुन करें और वोट के सही इंदराज को यकीनी बनाएं। वोट के इंदराज और तस्दीक से मुतल्लिक रहनुमाई के लिए हमारी वेबसाइट मुलाहिजा करें। अपने हक को आज ही जानो, वोट की ताकत को पहचान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ऑलरेडी जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। अभी आपको बताएंगे वजीर आजम इमरान खान से चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी और वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कदूस बिजंजो ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में बलोचिस्तान की तरक्की, खसूसन गवादर के लिए बिजली की फराहमी और तरक्याती कामों की जल्द अज जल्द तकमील से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर सूबे को मौसम सरमा में गैस की बिला तआतुल फराहमी और कोयटा कराची शाहरा की तामीर से मुतालिक उमूर भी ज़ेर गौर आए।
وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چوہدری فواد حسین نے کہا ہے کہ گزشتہ روز پشاور میں ہونے والا پیپلز پارٹی کا جلسہ خوش آئند ہے۔ پاکستان کو وفاقی جماعتوں کی ضرورت ہے، نون لیگ کو بھی سینٹرل پنجاب سے باہر نکلنا چاہیے۔ ایک ٹویٹ میں وفاقی وزیر نے کہا کہ ان جماعتوں کی قیادت بدقسمتی سے بہت سطحی ہے اور ان کے پاس کوئی ایجنڈا بھی نہیں۔ علاقائی اور شدت پسند سیاست تب ہی ختم ہوگی جب قومی سیاست ہوگی۔ چوہدری فواد حسین نے کہا کہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، کامیابی صرف تنقید سے نہیں مل سکتی، کوئی متبادل ایجنڈا بھی ہوتا ہے تو لوگ متوجہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں جماعتوں کی قیادت حکومت ہٹانے کی خواہش کے بجائے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرے، دونوں جماعتیں بڑی اصلاحات کے لیے بھی تجاویز دیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا ہے کہ ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن کے مطابق کرونا کے باعث عالمی سطح پر مہنگائی کا 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ مہنگائی کی لہر سے پاکستان بھی متاثر ہوا۔ اسلام آباد میں ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ چینی کی قیمت میں 60 روپے کمی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 85 سے 90 روپے میں اس وقت چینی فروخت ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی گئی، جبکہ سندھ میں کھاد کی بڑے پیمانے پر ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ سندھ کی سائیں سرکار کاشتکاروں کی دشمن کیوں بنی ہوئی ہے؟ چینی کی قیمتوں کے اوپر جو ہے وہ 60 روپے کی کمی ہوئی ہے۔ 150 روپے پہ جو ریٹ گیا، آج وہ ایکس مل ریٹ جو ہے وہ 85-90 کے درمیان جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن یہاں سندھ حکومت کی پھر نااہلی نظر آتی ہے۔ سندھ کے اندر ہمیشہ جو شوگر ملز تھیں وہ شوگر ملز وقت کے اوپر چلتی تھیں، اکتوبر کے آخری ہفتے کے اندر شوگر ملز چل جاتی تھیں، لیکن یہاں اس بار ڈیلیبریٹلی سندھ حکومت نے وہ شوگر ملیں جنہوں نے کرشنگ بھی شروع کی تھی ان کو بھی بند کروا دیا، تاکہ وہ جو ان کے زیر سایہ ذخیرہ اندوز ہیں، جو گراں فروش ہیں، جو ذخیرہ اندوزوں کا مافیا پیپلز پارٹی کی حکومت کے انڈر کام کر رہا ہے، اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم نے کہا ہے کہ عالمی منڈی میں کھانے کے تیل کی قیمت 100% بڑھی ہے، فرنس آئل سمیت دیگر اشیاء کی عالمی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی اقدامات سے پیاز، ٹماٹر، چینی، آٹے اور دال کی قیمتوں میں کمی آئی ہے، جبکہ چاول کی قیمت پورا سال مستحکم رہی۔ مزمل اسلم نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی سے مہنگائی بتدریج کم ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ منی بجٹ کے اثرات عام آدمی پر نہیں ہوں گے۔ عالمی مارکیٹ میں 100% جو ہے پیٹرول کی قیمت بڑھی، لیکن ہم نے جو ہے صرف اس میں جو ہے 40% کا اضافہ کیا۔ پچھلے 15 دن میں سیلز ٹیکس صفر تھا، ہمارا جو کنزیومر پرائس پچھلے مہینے 9.2% تھا، جو بڑھ کے 11.5% ہو گیا۔ اور اوور آل جو ہے جسے کہتے ہیں کھانے پینے کی اشیاء کی جو پیریشیبل گڈ جسے کہتے ہیں، اس کی مہنگائی میں 3.63% کمی آئی ہے۔ عام آدمی کے جو بجٹ میں جو چیزیں آتی ہیں ان سب میں کمی آ چکی ہوئی ہے۔ اور ناظرین، آزاد کشمیر میں عام انتخابات کے بعد حکومت کی تشکیل کو ابھی چند ہی ماہ ہوئے ہیں، اس حکومت کے اہداف کیا ہیں اور اب تک خطے کی بہتری کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟ ان سوالات کا جواب جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے آزاد کشمیر کے سینئر موسٹ وزیر اور وزیر سیاحت، ہاؤسنگ اور فزیکل پلاننگ سردار تنویر الیاس سے۔ سردار صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو۔ سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے گا کہ آپ کی حکومت کو اقتدار سنبھالے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، تاہم اب تک آپ کی حکومت کی جانب سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں اور مستقبل کے کیا اہداف ہیں؟ دیکھیں، دو وزارتیں ہیں اس وقت ہمارے پاس، ایک پی پی ایچ ہے اور دوسری ٹوریزم ہے۔ تو چونکہ گورنمنٹ ابھی آئی ہے ہماری، کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، ترجیحات میں یہ ہے کہ جو بنیادی طور پہ ان وزارتوں کا جو بنیادی فنکشن ہونا چاہیے، ہم اس کو پلان کر رہے ہیں کہ یہ وزارتیں کیسے اپنے جو فنکشن ہے، جو ہماری توقعات ہیں، وہ ہو سکیں۔ ایک ہمارے پاس وزارت ہے ٹوریزم کی، ٹوریزم کے حوالے سے ہم ایک اتھارٹی بنانے جا رہے ہیں کہ جو اتھارٹی جو ہے وہ سول رسپانسیبل ہوگی، اور جتنے بھی انویسٹرز ہوں گے، خواہ وہ پاکستان سے ہوں، پاکستان سے باہر سے آئیں، وہ لوگ اس اتھارٹی کے پاس جائیں، اور اس اتھارٹی کے علاوہ ان کو کہیں دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دوسرے دفاتر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ کہ ٹوریزم کا فوری طور پہ کہاں کہاں پہ پوٹینشیل موجود ہے اور اس میں کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں، یہ چونکہ پلاننگ کی سٹیج کے اوپر ہم ہیں۔ جب ہمارا وہ ڈرافٹ اور جو ہم اتھارٹی بنانے جا رہے ہیں جب مکمل ہو جائے گا، تو وہ کیبینٹ میں بھی جائے گا،
अगर ज़रूरत हुई तो हो सकता है कुछ अमेंडमेंट्स के लिए हमें उसको असम्बली में भी ले जाना पड़े, वो हम उसको देखेंगे। और ये इस वक्त टूरिज़्म के हवाले से हम ये समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर में बहुत सारा पोटेंशियल मौजूद है और वो कहीं वाटर स्पोर्ट्स के हवाले से शायद हो, किसी जगह पे आपके मोटल्स हो सकते हैं, होटल्स हो सकते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, रोड एक्सेसिबिलिटी, अगर किसी जगह पे आपने कोई प्रोजेक्ट करना है तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं कि जिसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की अच्छी खासी ज़रूरत है, वो भी हम करेंगे। लेकिन इसके साथ ये होता है कि जब तक जगह, हम ये चाहते हैं कि जो अथॉरिटी बने, जो हमारे पास लैंड्स अवेलेबल हैं जो गवर्नमेंट लॉजिस्टिक के तौर पे एक्सटेंड करेगी, वो उस अथॉरिटी के नाम पे हों, ना सिर्फ ये कि उसको बंदे का जब कोई इन्वेस्टर आ जाए और उसके बाद यहाँ पे लिटिगेशन और दूसरे मामला हों। तो टूरिज़्म आपका एक लॉन्ग टर्म एक गोल के तौर पर आपने इसको ले कर चलना है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह टूरिज़्म के हवाले से जो हमारे अहदाफ हैं अथॉरिटी बनाने के बाद, इसके हवाले से जो लेजिस्लेशन हमने करनी है, उसके बाद इंशाल्लाह ये अपने ट्रैक के ऊपर होगा। और इसमें एक बहुत बड़ा पोटेंशियल जो है वो एम्प्लॉयमेंट इनसाइड द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री जनरेट होने के चांसेस हैं, जिसमें लोग आएंगे और वो अपने अपने तौर पे काम करेंगे। सही सही सरदार साहब, हम देखते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों का जब भी हम तज़किरा करें तो नक्काशी है आपके बड़े मसाइल सामने आते हैं। ख़ासतौर पर अगर हम जिक्र करें मुजफ़्फ़राबाद और मीरपुर शहर की, तो वहाँ के नक्काशी है आपके लिए और अर्बनाइजेशन के हवाले से इस वक्त हुकूमत क्या इकदाम कर रही है? PPH का जो बुनियादी तौर पर मैंडेट होता है, ये जो आपके जितने बड़े शहर हैं, इन शहरों की अर्बनाइजेशन और पानी और सीवरेज और ड्रेनेज की जितने मुतलका चीज़ें हैं वो इस वजारत ने करनी होती, तो उसके ऊपर भी हमने एक तो ये कैबिनेट में भी हमने डिस्कस किया है कि जितनी अर्बनाइजेशन होनी है उसकी प्लानिंग इस वक्त ज़रूरी है कि आप अगले 100 साल या 200 साल में इन शहरों को कहाँ पे देखते हैं और उसके लिए आपके प्लान और अहदाफ क्या हैं। इस वक्त तक आपके पास जो बड़े शहर हैं, मीरपुर है, मुजफ़्फ़राबाद है, कोटली है, बाग है या रावलकोट है, इन शहरों में कोई प्लानिंग नहीं हुई। और आपके लिए इंटरेस्टिंग बात हम आपके साथ ये कहें कि जो आपके कुछ बड़े शहर हैं जिसमें सीवरेज ड्रेनेज जैसे सिंगल लाइन कोई पाइप नहीं बिछाया गया, मुजफ़्फ़राबाद जैसा शहर जो है इसका सारे का सारा सीवरेज जो है वो दरिया में जा रहा है और अनट्रीटेड जा रहा है। तो इस सीवरेज के हवाले से चूँकि हिली एरिए में भी आपकी जो प्लानिंग होती है कि मुमकिन है कि मुजफ़्फ़राबाद में एक जगह पे नहीं, आपको दो तीन जगहों पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट प्लान करने होंगे। और इसके साथ इन शहरों की जो अर्बनाइजेशन के लिए अगले अहदाफ है कि इन शहरों की एक्सपेंशन किस तरफ हो सकती है कि ताकि ये प्रॉपर प्लान शहर बन सकें, ना कि यहाँ पर जिस तरह एक आदमी के पास दो कनाल है या 10 कनाल है या वो ख़रीद के तो उसके अंदर प्लाटिंग करते हैं, किसी जगह पर 12 फुट की रोड होती है, कहीं 8 फुट की होती है, कहीं 15 फुट की होती है। और मुजफ़्फ़राबाद जैसे शहर में आप देखेंगे कि बहुत सारी स्ट्रीट्स गलियां ऐसी हैं कि जिसके अंदर कोई एम्बुलेंस या कोई गाड़ी नहीं जा सकती। तो हम ये समझते हैं कि ये जो प्लानिंग है आपकी शहरों के हवाले से अर्बनाइजेशन में बड़ी मैटर करती है। और इस वक्त जो आपके साथ हम एक बात मैं शेयर करना चाहूँगा कि पूरे आज़ाद कश्मीर में एक भी ट्रैफिक इंजीनियर नहीं है, और ट्रैफिक के जो मसाइल हैं शहरों में तो पैदा हो चुके हैं, लेकिन इसके साथ जो आपके रूरल एरियाज हैं वहाँ पे भी लिंक सड़कें बनने से, गाड़ियों के ज़्यादा होने से, आबादी के बढ़ने से वहाँ पे भी इस वक्त पार्किंग के और गाड़ियों के गुजरने के मसाइल पैदा हो चुके हैं। जब तक आपके पास ट्रैफिक स्टडी नहीं होगी, उसका एनालिसिस आप नहीं कर सकेंगे, उसको आप अपनी प्लानिंग का ऐसा नहीं बना सकेंगे। अगर आप बड़े शहरों में कोई पार्किंग प्लाजे तामीर भी कर लेते हैं, लेकिन ये इसका हाल उस वक्त तक परमानेंट नहीं निकल सकेगा कि जब तक आप ट्रैफिक इंजीनियर्स नहीं हायर करेंगे। तो हम ये समझते हैं कि PPH में हम ना सिर्फ प्लानिंग विंग खड़ा कर रहे हैं जो अर्बन प्लानिंग विंग होगा, जिसके अंदर प्लानिंग जो टाउन प्लानिंग से मुतालिक लोग होंगे, लेकिन इसके साथ जो ट्रैफिक इंजीनियर्स हैं वो हायर होंगे, ताकि जो ट्रैफिक की आइंदा आने वाली ज़रूरियात हैं, सड़कों को कैसे होना चाहिए और ट्रैफिक के हवाले से आपकी इंट्री और एग्ज़िट हमेशा प्लान की जाती है कि जो ट्रैफिक का फ्लो है उसको बरकरार रखने के लिए आप कैसे जो है सड़क को डिज़ाइन करते हैं, रोड को डिज़ाइन करते हैं, शहर को डिज़ाइन करते हैं या किसी बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं।
सरदार साहब, जिस तरह से आपने कहा कि शहरों के हवाले से प्लानिंग बड़ी मैटर करती है, लेकिन प्लानिंग के साथ साथ हम इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि आज़ाद कश्मीर बड़ा खूबसूरत इलाका है और सियाहत जो है वो इस हवाले से बहुत अहम है और सियाह इस हवाले से माइल भी होते हैं, लेकिन तामीरात के शोबे से हम जानना चाहेंगे कि उसमें आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या प्लानिंग होगी कि वहाँ पर जो खूबसूरती है वो भी मुतासर ना हो, वहाँ का हुस्न भी मुतासर ना हो और तरक्याती काम भी हो जाए। जितने भी रूरल एरियाज के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है वो बगैर किसी अप्रूवल के हो रही है, तो उसको किसी न किसी तरह पे उसको अप्रूवल के उस दायरे में लाया जाए ताकि ये जो आपका नेचर है, जो लैंडस्केप है, ये डिस्ट्रॉय न हो और इसमें सिर्फ कंक्रीट का पहाड़ न खड़ा कर दें हम आज़ाद कश्मीर में, बल्कि जो आपका कुदरती हुसन है जो इस इलाके का वो बरकरार रहे। तो उस हवाले से हमारे जो अहदाफ है इंशाल्लाह आप देखेंगे कि शहरों की जो सफाई सुथराई के मामलात हैं, वाल चैकिंग है, जो आपका गार्बेज है, देर आर सो मेनी थिंग्स के जिनके ऊपर काम होने की ज़रूरत है। ये सिर्फ इन वजारतों के हवाले से नहीं है, बल्कि बहुत सारे और जो मौलियाती एनवायरनमेंट के हवाले से हम उस लेवल पे मुतारक नहीं है जो आज़ाद कश्मीर में या किसी भी दूसरी जगह पे EPA होता है, या जो आपकी एनवायरमेंटल जो मामलात को किसी भी बिल्डिंग, वो पब्लिक सेक्टर के अंदर बने, गवर्नमेंट की अपनी बिल्डिंग बन रही हो या कोई प्राइवेट बनाता है, उसकी आप एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना, फिर प्लांटेशंस के हवाले से उनका एनवायरमेंट फ्रेंडली होना, वो जो भी स्पीशी आप करते हैं वो आपके एनवायरमेंट के साथ ब्लेंड हो। हमने गुज़श्ता कई सालों में देखा कि हमारे मुल्क में बाहर से दरख्त इंपोर्ट होने शुरू हुए और उसमें कई ऐसे दरख्त हैं कि जो नॉन एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, जिनके ऊपर परिंदा नहीं बैठता। इसी तरह आप बिल्डिंगों में भी बहुत सारे आप ऐसे टेक्स्चर या उनके पर्सपेक्टिव व्यू में ऐसी चीज़ें लेके आते हैं जो आपके एनवायरमेंट के साथ ब्लेंड नहीं होती। यानी यहाँ पे रेनफॉल अगर ज़्यादा होता है और आपने कोई ऐसी चीज़ उस बिल्डिंग के बाहर लगा दी है, या आपने ऐसा पत्थर लगा दिया है जो मॉइस्चर कंटेंट उसमें ज़्यादा है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम कोशिश ये करेंगे कि इन वजारतों में और इन वजारतों से हट के जो हमारा काम है, दो तीन महकमे हमारे यहाँ पे टप टप के हवाले से काम होने की ज़रूरत है, SDMA के हवाले से बहुत काम की ज़रूरत है, इंडस्ट्री जो हमारी कॉटन इंडस्ट्री हर डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए, हम दूसरी जो वजारतें हैं उनको भी इंशाल्लाह हेल्प आउट करेंगे इन एरियाज में कि ये प्रॉपर फंक्शनल वजारतें हों और जो लोगों की तवक्कुआत हैं, आज़ाद कश्मीर के रहने वालों की जो तवक्कुआत हैं उसके ऊपर ये पूरा उतर सके। बहुत शुक्रिया आज़ाद कश्मीर के सीनियर मोस्ट वजीर और वजीर सियाहत और हाउसिंग और फिजिकल प्लानिंग सरदार तनवीर इलियास साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के बाद, हुकूमत आने के बाद बात कर रहे थे कि किस तरह से वहाँ पर प्लानिंग की जाए और नाजी बड़ा खुशाइंद है कि वहाँ पर अब तरक्याती काम शुरू हो जाएगा और साथ साथ तरक्याती काम तो होगा लेकिन वहाँ पर उसकी खूबसूरती जो आज़ाद कश्मीर के वो मान नहीं पड़ेगी। ये बहुत अहम बात है। मज़ीद कुछ खबरें भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। The prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. That as we human know, the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. Jab tak Musalman duniya milke iska pressure nahi dalegi Maghrib mubalik ke upar, ये मुश्किल रहेगा हमारे लिए कि वो इसके पीछे छुप जाते हैं कि जी आजादी राय। इट इज अ फेलियर ऑफ द OIC दैट वी हैव नॉट बीन एबल टू एक्सप्लेन टू द वेस्टर्न कंट्रीज दैट द लव एंड अफेक्शन दैट वी फील फॉर आवर होली प्रॉफिट। मुझे फख्र है इसका कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा उसने इस चीज को उठाया। आई कॉल ऑन द सेक्रेटरी जनरल टू कन्वीन अ ग्लोबल डायलॉग ऑन काउंटरिंग The rise of Islamophobia. कि मेरा जो नौजवान है पाकिस्तान का, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ उनका नंबर वन रोल मॉडल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाए।
ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की, जिन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान के असासे गैर मुंजमद किए जाएं क्योंकि तालिबान इस रकम से असलहा नहीं खरीदेंगे। आपको बताएं कि मॉस्को में इक्तसादी यूनियन से खिताब करते हुए रूसी सदर ने कहा है कि तालिबान के पास अरबों डॉलर का असलहा मौजूद है जो साबिक अफगान हुकूमत और अमरीका ने छोड़ा है और उन्हें मजीद असलहा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा अफगानिस्तान के असासे गैर मुंजमद किए जाएँ। उन्होंने कहा कि तालिबान को इंसानी बहरान से निपटने, दवाओं की खरीदारी और अफगान बच्चों की इमदाद के लिए रकम की ज़रूरत है। और नाज़रीन, आलमी बैंक एक तजवीज़ को हतमी शक्ल दे रहा है जिसके ज़रिए अफगानिस्तान के 50 करोड़ डॉलर की मुंजमद इमदादी रकम फराहम हो सकेगी, जिसे इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर काम करने वाले इदारों के हवाले किया जाएगा। इस तजवीज़ पर गौर करने के लिए आलमी बैंक के बोर्ड के अरकान ने एक गैर रस्मी इजलास मुनक़िद किया ताकि हालिया हफ्तों के दौरान इस ज़मन में अमरीकी और अक़वामे मुत्तहिदा के अहलकारों से होने वाली बातचीत आगे बढ़ाई जा सके। तजवीज़ यह है कि अफगानिस्तान के तामीराती फंड में से रकम जारी की जा सकें जिस मद में 1.5 अरब डॉलर जमा हैं। वज़ीर दाखला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि काबीना ने कल तबलीगी जमात को ऑनलाइन वीज़ा की इजाज़त दे दी है। इमरान खान को नालायक और नाअहल अपोजिशन मिली। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का कानून बन गया है, अगले इंतखाबात अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही होंगे। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए ख़वातीन सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी में मल्टीपर्पज़ हॉल की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखला ने कहा कि अगले साल बल्दियाती इलेक्शन होंगे, फिर आम इंतखाबात का झोल बच जाएगा। उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी IMF से भी ज़्यादा पैसे मुल्क में भेजते हैं। पाकिस्तान के 40 हलकों में इलेक्शन का फैसला ओवरसीज़ वोट से होगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट जब PTI को पड़ेंगे, अपोजिशन फिर रोएगी कि धांधली हो गई। अब अपोजिशन ने फैसला करना है कि वो कोर्ट में जाती है, कुछ और फैसला करती है, लेकिन कानून बन गया है कि पाकिस्तान में अगले इलेक्शन जो हैं वो वोटिंग मशीन पे होंगे। पंजाब में 40 हलकों का फैसला हार और जीत का ओवरसीज वोटिंग पे होगा, और जब ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट PTI को पड़ेंगे, ये फिर कहेंगे धांधली हो गई है, ये फिर रोएंगे, फिर चीखेंगे कि धांधली हुई है, लेकिन मशीन ही उसका जवाब है। वज़ीर दाखला शेख रशीद अहमद ने मजीद ये भी कहा है कि इमरान खान की हुकूमत में कोई ऐसा बिल पास नहीं होगा जो अकलियतों के हकूक के खिलाफ होगा। पाकिस्तान का आइन तमाम मजाहब को बराबर हकूक देता है। वज़ीर दाखला शेख रशीद अहमद की जानिब से आपको बता रहे थे कि उन्होंने बिल के हवाले से बात की, और दूसरी तरफ आपको बताएं कि इंसदाद मनीषियात के वफाकी वज़ीर एजाज़ अहमद शाह ने कहा है कि मनीषियात के खिलाफ जंग में पूरी कौम को साथ चलना होगा। मनीषियात से पाक मुआशरे के लिए हर किसी का इनफरादी किरदार ज़रूरी है। नौशहरा में ANF की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम मनीषियात के पैदावार वाले ममालिक नहीं, हम अपनी जुग्राफियाई पोजिशन की वजह से इस्लानत का शिकार बने। एजाज़ अहमद शाह ने पास आउट होने वाले तमाम अफसरान और हुकाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि अपनी जिम्मेदारी अदा करने में साबित कदम रहे। सहाफी और ब्लॉगर मुदस्सर नारो बाजियाबी केस की समाअत में चीफ जस्टिस अतर मिनुल्ला ने कहा है कि किसी का लापता हो जाना इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म है। कानून की हुक्मरानी के लिए यह लाजिम है कि जुर्म में मुलव्वज़ जिम्मेदारों का तायुन किया जाए। वज़ीर इंसानी हुकूक डॉक्टर शेरी मिसारी ने अदालत में पेश होकर बताया कि जबरी गुमशुदगियों के मामले पर बाकायदा कानून साजी की जा रही है जिसे जल्द सैनेट भिजवाएंगे। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्ला ने कहा कि वफाकी काबीना के आइंदा इजलास में वज़ीर आज़म और काबीना अरकान से लापता मुदस्सर नारू की फैमिली की मुलाकात करवा कर मुतमईन किया जाए। केस की मजीद समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। समाअत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर इंसानी हुकूक डॉक्टर शेरी मिसारी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान जबरी गुमशुदगियों का मामला हल करने के लिए पुरअज़्म हैं। प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट इन फोर्सेस से पेरेंट्स की प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले की है, हमारे मैनिफेस्टो में भी। तो हमने कानून अब तैयार कर लिया है, सेनेट से पास होना है। और आज चीफ जस्टिस ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि पिछली 2002 से जब से ये हो रही हैं, तो पिछले जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे इंक्लूडिंग द टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उन्होंने क्यों नहीं एक्शन दिया? शुड दे नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? और उन्होंने कहा आई शुड प्रजेंट दिस पॉइंट ऑफ व्यू टू द कैबिनेट एंड द प्राइम मिनिस्टर कि पिछली कॉम्पेंसेशन और पिछले चीफ एग्जीक्यूटिव शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल।
وفاقی وزیر تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت شفقت محمود نے کہا ہے کہ حکومت نے بہترین حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے نہ صرف کرونا وبا پر قابو پایا بلکہ معاملات زندگی بھی بڑی حد تک متاثر نہیں ہونے دیے۔ اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر شفقت محمود نے کہا کہ کرونا وبا حکومت کے لیے بڑا چیلنج تھا، خود حکومتی عہدیداران میں مختلف آرا تھیں، تاہم وزیر اعظم نے قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی راہ اختیار کی جس سے نہ صرف وبا پر قابو پایا بلکہ معاشی معاملات کو بھی بہت زیادہ متاثر نہ ہونے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس تجربے سے استفادہ کرتے ہوئے دنیا کو مستقبل کے لیے ابھی سے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کی وزیر مملکت زرتاج گل نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ توانائی کے متبادل ذرائع پر انحصار بڑھایا جائے۔ اسلام آباد میں نجی یونیورسٹی کے سیمینار سے خطاب میں زرتاج گل نے کہا کہ ملکی تاریخ میں تحریک انصاف کی پہلی حکومت ہے جس نے موسمیاتی تبدیلیوں کے معاملے کو سنجیدگی سے لیا ہے اور اس حوالے سے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت فضائی آلودگی میں کمی کے لیے برقی توانائی سے چلنے والی گاڑیوں کی برآمد کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ ہم 30% جو ہیں اپنی جو سڑک پہ چلتی ہوئی گاڑیاں اس میں 30% کو ایٹ لیسٹ ہم جو ہیں وہ بجلی کے اوپر کنورٹ کر دیں گے، کیونکہ ہمارا جو سیکٹوریل ایمیشن ہے اس میں ہائیسٹ جو ہے وہ ہمارا گاڑیوں کا ہے۔ تو دوسرا ہم نے ان سے پرامس کیا ہے کہ جی ہم 60% انشاءاللہ رینیویبل انرجی کے اوپر چلے جائیں گے۔ ہمارے پاس دو بڑے پلانٹ ہیں، ایک ہمارے پاس ساہیوال تھر کول ہے اور ایک ہمارے پاس تھر کول خود ہے۔ اس کو بھی پرائم منسٹر عمران خان نے ریویو کیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ اس کو بھی ہم ریویو کر دیں گے اور ہم اس کو کنورٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم رینیویبل انرجی کی طرف چلے جائیں۔ ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے کہا ہے کہ کوئٹہ کراچی ریل کا دوبارہ آغاز خوش آئند ہے۔ ڈپٹی سپیکر نے کوئٹہ میں بولان میل ریل کی بحالی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں چمن اور تفتان روٹ پر بھی ٹرینیں چل رہی ہیں، جلد اکبر بگٹی ایکسپریس ٹرین بھی بحال کر دی جائے گی۔ قاسم خان سوری نے کہا کہ چین پاکستان کا حقیقی دوست ہے جو ہر صورتحال میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ سی پیک منصوبوں کے تحت بلوچستان میں کام جاری ہے۔ ڈپٹی سپیکر قاسم سوری نے کہا کہ مہنگائی کا طوفان پوری دنیا میں ہے، صرف پاکستان میں نہیں، برطانیہ میں بھی مہنگائی ہے، پیٹرول کی قلت ہے، حکومت مہنگائی پر قابو پانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ڈپٹی سپیکر قاسم سوری نے کہا کہ صحت کارڈ ہمارا انقلابی اقدام ہے، صحت کارڈ کے ذریعے ہر شخص اپنا علاج مفت کرا سکے گا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے لوگوں کو کورونا سے محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات جاری ہیں اور گھر گھر جا کر ویکسین لگانے کی مہم ریڈ کے پہلے مرحلے میں 1,30,00,000 افراد کو ویکسین لگائی گئیں۔ لاہور میں ویکسینیشن مہم کے پہلے مرحلے میں نمایاں کارکردگی دکھانے والوں کے اعزاز میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے متعلقہ محکموں کی کارکردگی کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ نے ویکسینیشن کے دوسرے مرحلے کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ 31 دسمبر تک جاری رہنے والی اس مہم میں 2 کروڑ سے زائد شہریوں کو کورونا ویکسین لگائی جائے گی۔ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ کورونا پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے اور اب اومیکرون نامی وائرس دنیا بھر کے لیے خطرہ بن کر سامنے آیا ہے، لہٰذا انتظامیہ اور ہیلتھ عملے کو پہلے سے زیادہ محنت سے لوگوں کو بچانے کے لیے اب کام کرنا چاہیے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے ریڈ مہم میں نمایاں کارکردگی دکھانے والوں کو شیلڈز بھی دیں۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس میں نئے بلدیاتی ایکٹ کے حوالے سے اتحادی جماعت مسلم لیگ قاف کے ساتھ مشاورت پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نیا بلدیاتی ایکٹ مشاورت سے تیار کیا گیا ہے اور عوام کو نچلی سطح پر حقیقی معنوں میں با اختیار بنائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے اتحادی جماعت مسلم لیگ قاف کے ساتھ مشاورت کا عمل جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد زیور نے اپنے دورہ برطانیہ کے دوران 15 سے زائد برطانوی اراکین پارلیمنٹ اور لارڈز سے ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں میں پاک برطانیہ تعلقات، افغانستان اور خطے کی صورتحال، مسئلہ کشمیر اور دیگر امور پر بات چیت کی گئی۔ اراکین پارلیمنٹ اور لارڈز سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان نے افغانستان میں امن کے لیے مثالی کردار ادا کیا ہے۔ افغانستان میں امن قائم کیے بغیر خطے میں ترقی کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ گورنر نے کہا کہ بھارت کشمیریوں پر بدترین مظالم کر رہا ہے، دنیا کو چاہیے کہ وہ کشمیریوں پر بھارتیوں کے تشدد کا نوٹس لے۔ برطانوی اراکین پارلیمنٹ نے افغانستان اور خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ اور یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔
ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएं पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज एड्स से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद एड्स जैसे मोहलिक मर्ज से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में शऊर और आगाही पैदा करना और लोगों को मालूमात फराहम करना है। इसी हवाले से देखते हैं इस्लामाबाद से मरियम मलिक की रिपोर्ट। 1 दिसंबर एड्स जैसी मोहलिक बीमारी से बचाव और आगाही का आलमी दिन। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में महकमा सेहत और मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से वॉक, सेमिनार्स और दीगर तकरीबात का अहतमाम किया जा रहा है। सेमिनार्स में सेहत के माहिरीन एड्स जैसी मोहलिक मर्ज की अलामत और उससे बचाव की तदाबीर से मुतालिक आगाही फराहम कर रहे हैं। तिबी माहिर डॉक्टर फजल रबी कहते हैं एड्स एक जानलेवा बीमारी है जिससे दुनिया भर में 38 मिलियन लोग हलाक हो चुके हैं और सालाना हजारों लोग मौत के मुँह में चले जाते हैं। इलाज के साथ साथ सबसे अहम चीज जो है वो HIV और एड्स से बचाव की तदाबीर करने हैं। इंजेक्शन नीडल समेत गंदे तिब्बी आलात के इस्तेमाल और गैर महफूज इंतकाली खून समेत उन तमाम इकदामात से परहेज करें जो एड्स फैलने का बाइस बनते हो। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 2020 तक 3,97,00,000 अफराद HIV एड्स का शिकार थे, जबकि रवा साल भी लाखों मजीद इंसानों के जिस्म में HIV की तस्दीक हुई है। मरियम मलिक, PTV न्यूज, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, आज के दिन के हवाले से मुआवने खसूसी ब्राय सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि एशिया में एड्स के बढ़ते केसेस पाकिस्तान के लिए चैलेंज हैं। HIV टेस्टिंग और HIV इलाज मराकज बढ़ाकर इस बीमारी से निजात हासिल की जा सकती है। एड्स के आलमी दिन के हवाले से अपने वीडियो पैगाम में मुआवने खसूसी सेहत ने कहा कि एड्स के आलमी दिन 2021 का मौजू एड्स का खात्मा, अदम मसावात और वबा का खात्मा है। उन्होंने कहा कि 2010 से 2021 तक 84% HIV केसेज में तेजी आई है। हुकूमत पाकिस्तान ने सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर एड्स से बचाव के लिए इकदाम किए हैं। ई कॉमर्स के बारे में वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी सैनेटर ऑन अब्बास बिपी ने कहा है कि वज़ीर आज़म के विजन के तहत ई कॉमर्स के फरोग के जरिए नौजवानों को तरक्की के नए मौके फराहम किए जा रहे हैं। नौजवानों की तरक्की से मुल्क के रोशन मुस्तकबिल यकीनी बनाए जाएंगे। इस्लामाबाद में ई कॉमर्स स्टेक होल्डर्स के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कॉमर्स का शुबा नौजवानों को अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने का मौका देता है। $4 billion ऑफ ई कॉमर्स ट्रेड लास्ट ईयर और वो भी लोकल ट्रेड। दिस ईयर आफ्टर हैविंग अमेज़न ऑन बोर्ड figures may have risen. I know there are issues related to finance, financial transactions, and there are issues related to the trainings, there are issues related to the logistics, but of course I'm here to listen to you. और नाज़रीन, इत्तलात के बारे में वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खसूसी हसन खावर ने कहा है कि एहसन इकबाल और राना शमीम ने अपने बयान हल्फी और ऑडियो से लातालुकी का इजहार किया है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ने कहा कि नून लीग को चाहिए कि वो संजीदा सियासत करे और आगे बढ़े। बिलावल भुट्टो ने भी कल बड़ी शोला बयान तकरीर की। उनकी सियासत का असल चेहरा क्या है? हसन खावर ने कहा कि बोगस अकाउंट्स बिलावल की सियासत का असल चेहरा है। बेनजीर भुट्टो चारों सूबों की जंजीर देकर गई हैं, अब इनके पास सिर्फ सिंध ही बचा है और वो भी इनसे संभाला नहीं जा रहा। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के इत्तेहादियों से बल्दियाती इंतखाबात के मुसवदे पर मुशावरा जारी है और किसी किस्म का कोई डेडलॉक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार तनवीर इलियास खान ने नीलम वैली का दौरा किया। मुकामी जमाने PTI कारकुनान ने जगह जगह गुलपाशी, ढोल की थाप और फलक शगाफ नारों के साथ उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया। सरदार तनवीर इलियास को जो पजीराई बतौर सदर जमात अवलीन दौरा नीलम पर लोगों ने दी है, इससे ये साबित होता है कि 25 जुलाई को होने वाले आम इंतखाबात में आज़ाद कश्मीर के अवाम ने बबांगे दहल इमरान खान के विजन और नज़रिए पर मुहर सब की थी। इस दौरे के दौरान सरदार तनवीर इलियास ने अहलियाने वादी नीलम के लिए मेगा तरक्याती मंसूबों, बुनियादी सहूलियात और ज़रूरत के मुताबिक इंतजामी मामलात दुरुस्त करने का भी ऐलान किया। सऊदी अरब की जानिब से कोरोना पाबंदियों में नरमी के बाद पाकिस्तान से पहली बराह रास्त परवाज आज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रवाना हुई। इस्लामाबाद से जद्दा के लिए सऊदी एयरलाइन की परवाज SV272 पर 231 मुसाफिर सवार थे। पाकिस्तान में सऊदी सफीर नवाफ बिन सैयद अल मालकी ने मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर अलविदा किया। इस मौके पर सऊदी सफीर ने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तानियों का दूसरा घर है। सऊदी अरब में काम करने वाले 3 लाख पाकिस्तानी वापसी के मुंतजर हैं।
नाज़रीन, हुकूमत का गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत को फ़रोग देने के लिए क्या गया एक और वादा पूरा हो गया। अस्करदू एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के सियाहत को फ़रोग देने के विजन के तहत अस्करदू एयरपोर्ट कल से बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के तौर पर काम का आगाज़ करेगा। इब्तदाई तौर पर साजगार मौसम के मुताबिक फ़्लाइट्स ऑपरेट होंगी। और यहाँ आपको बताएं, मधुर धुनों से पाकिस्तानी फिल्मों को दुनिया भर में पहचान देने वाले निसार बज़मी का 97वां यौमे पैदाइश आज मनाया जा रहा है। खुदादाद सलाहियतों के मालिक अजीम मौसीकार निसार बज़मी ने भारतीय रियासत महाराष्ट्र में आँख खोली। उन्होंने 1949 में ऑल इंडिया रेडियो से बतौर आर्टिस्ट अपने करियर का आगाज़ किया और कुछ ही अरसे बाद मुंबई में फिल्मों की मौसीकी देना शुरू कर दी। निसार बज़मी ने 40 से ज़्यादा फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। निसार बज़मी ने अपने शानदार करियर के दौरान मेहदी हसन और नूर जहां जैसे मंझे हुए गुलकारों के साथ साथ रूना लैला और इखलाक अहमद जैसी नुकेज आवाज़ों को भी निखरने और संवरने का मौका दिया। और नाज़रीन, सर्दी जूझू बढ़ती जा रही है, अनवाउ अकसाम के खाने शहरियों का दिल लुभाने लगे हैं। खुनक शामों में इस्लामाबाद में फूड स्ट्रीट्स के इश्तहा अंगेज पकवानों की झलक देखिए मजहर अब्बास की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में मौसम सर्द हुआ तो गर्म पकवानों ने शहरियों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। कहीं पर मछली फ्राई हो रही है तो कहीं पर कढ़ाई बन रही है। गर्म पकवानों से लुत्फ उठाने के लिए लोग रेस्टोरेंटों का रुख कर रहे हैं। किसी को मछली फ्राई पसंद है तो किसी को ग्रिल फिश, कोई देसी मुर्गे की कढ़ाई खा रहा है तो कोई सब्जी के मजे लेता नजर आता है। बारबेक्यू का लुत्फ भी इसी मौसम में ही ज्यादा आता है। बेशक ठंड हो सर्दी हो लेकिन अच्छा लगता है खाना गर्म हो। जब फैमिली के साथ आते हैं तो देसी पे जाना पड़ता है। सर्दियों में सारों की यही कोशिश होती है कि स्पाइसेस थोड़ी ज्यादा हो। सर्दियों में फिश ही पसंद है। टिक्का पार्टी के लिए हम दोस्तों के साथ इस तरह बाहर निकलते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं। सर्दी में लोग तेज मसाले वाले पकवान ज्यादा पसंद करते हैं। रेस्टोरेंट मालकान का कहना है कि सर्दी आते ही मछली फ्राई और देसी मुर्गे की कढ़ाई की फरोख्त बढ़ जाती है। फिश और बारबेक्यू और चाना सूप, ये तीन चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं। फिश तो माशाल्लाह आप देख ही रहे होंगे, काम आपके सामने है। सर्दियों में हमारे पास देसी चिकन होता है, रहू फिश होती है, मुश्का फिश होती है, ये लोग सर्दियों में लाइक करते हैं ज्यादा। वफाकी दारुल हुकूमत में पिछले चंद सालों में खाने के रेस्टोरेंटों में इजाफा हुआ है जिससे न सिर्फ कारोबारी हजरात को फायदा हुआ है बल्कि शहरी भी मुख्तलिफ खानों से लुत्फानंदोज होते नजर आते हैं। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। मजेदार खानों का जिक्र लिए इस रिपोर्ट के साथ ही कैबिनेट आर का वक्त खत्म हुआ चाहता है। नाजिया कमल और काशिफ रजो को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।